अब हम शुरू करते हैं यूनिट फिफ्थ, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में जो विशेषता होती है वो ये कि इनमें, इन प्लांट्स में रूट भी होती है, स्टेम भी होता है और लीव्स भी होती हैं, लेकिन इनमें नो सीड, बीज नहीं बनते, इनमें केवल स्पोर्स बनते हैं। और इनका जो पौधा होता है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, यह मुख्य पीढ़ी होती है। इस स्पोरोफाइट में रूट, स्टेम और लीव्स तीनों होते हैं। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ हम लाइकोपोडियम का चित्र बना हुआ है, ये किसी देख सकते हैं आप, ये रूट है, ये स्टेम का, ये स्टेम और ये राइजोम उसका। इसमें जो दिख रही है आपको लीव्स हैं, और ये जो लंबी स्ट्रक्चर दिख रही है ये कहलाती है स्ट्रोबिलस या कोन। तो आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न आ सकते हैं, देखिए यूजुअली सामान्यतः टीएस स्टेम आता है, ओके। दूसरा ये जो स्ट्रोबिलस दिख रहा है इसका एलएस आता है, लंबवत काट, इस लंबाई में हम काटेंगे तो। इसके अलावा इसकी लाइफ साइकिल भी आ सकती है। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।